एनसीपी में बड़ा खेला, अजीत पवार को पार्टी से निकालने की तैयारी। एनसीपी की बैठक में शरद पवार बोले, अजीत पवार को न्योता ही नहीं। संजय राउत ने लगाया अजीत पवार पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप। एनसीपी में खींचतान चल रही है, चाचा और भतीजे के सुरताल मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाचा यूपीए के साथ हैं तो भतीजे का मन एनडीए में जाने का हो रहा है। इस लड़ाई के बीच में उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत आए तो भतीजे ने उन्हें भी जमकर सुना दिया। संजय राउत ने भी जवाब दिया लेकिन बात बिगड़ जाए उससे पहले ही वो उसे संभालने में जुट गए। शरद पवार से मुलाकात की, सफाई पेश की, पवार को अपना नेता बता दिया और यहां तक कह दिया कि पवार साहब मुझे खरी खोटी सुनाएंगे तो इसका बुरा मैं नहीं मानूंगा, जवाब भी नहीं दूंगा। लेकिन एनसीपी में अलग ही कहानी चल रही है। शरद पवार और अजीत पवार कभी पास दिखाई देते हैं तो अचानक ही दूर भी हो जाते हैं। पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं की घाट कोपर में बैठक बुलाई जिसमें सबको बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अनिल देशमुख और अदिति तटकरे भी शामिल थे। बड़े बड़े नेता यहां मौजूद थे लेकिन अजीत पवार को नहीं बुलाया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया। दूसरी ओर अजीत पवार की इस मामले में सफाई आ गई। उन्होंने कहा कि कोई गलतफहमी ना पाले कि मुंबई में हो रहे एनसीपी के अधिवेशन से मुझे साइडलाइन कर दिया गया है। मेरे प्रोग्राम लॉन्ग बैक शेड्यूल थे इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया था। लेकिन सवाल इस बात के उठते दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी की बैठक से ज्यादा जरूरी दूसरे कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में ये चर्चा आम है कि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि इन अटकलों को शरद पवार ने उस वक्त खारिज कर दिया जब वो 18 अप्रैल को अजीत पवार की दी हुई इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। इस पार्टी में सुप्रिया सुले, दिलीप वालसे पाटिल और जितेंद्र आव्हाड समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। लेकिन पार्टी के बाद फिर से अजीत पवार को लेकर कई सवाल उठने लगे। वैसे अजीत पवार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। अजीत के चलते सिर्फ एमवीए ही मुश्किल में दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि एनडीए में भी टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार अगर एनडीए में आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान एकनाथ शिंदे को हो सकता है, इसलिए शिवसेना के नेताओं ने इसका पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ कर दिया है कि अगर अजीत पवार एनडीए में आते हैं तो शिवसेना एनडीए से बाहर चली जाएगी। शिवसेना को इस चेतावनी का असर भी दिखाई दे रहा है और बीजेपी की ओर से अब इस मामले को लेकर कदम पीछे खींचे जा रहे हैं। दरअसल शिवसेना को इस बात का डर लग रहा है कि अजीत पवार के एनडीए में आते ही उनका दावा भी सीएम पद को लेकर खारिज हो जाएगा। बीजेपी को फिर एकनाथ शिंदे की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी, इसलिए शिंदे कैंप को जैसे ही अजीत पवार के देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में आने की खबर मिली उन्होंने खेल कर दिया, बीजेपी को अजीत पवार के साथ आने से नुकसान बता दिया। वैसे बीजेपी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि अजीत पवार के मामले में अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हटी है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की अयोग्यता से जुड़े मामले में सुनवाई हो रही है। अगर फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आ जाता है तो उसके लिए अजीत पवार के रूप में बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर लिया है। एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार को सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन फैसला अगर एकनाथ शिंदे के हक में आया तो अजीत पवार के मामले को बीजेपी ठंडे बस्ते में डाल देगी या फिर लोकसभा चुनाव तक इस मामले में वेट करेगी। लेकिन ये साफ हो गया है कि अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। बीजेपी ने अजीत पवार के मामले में अभी अपने कदम इसलिए पीछे नहीं खींचे हैं कि अजीत पवार के पास एनसीपी के अंदर नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं। जब तक उनके पास 36 विधायक नहीं आ जाएंगे तब तक दल बदल का मामला फिट नहीं हो पाएगा।